जिला चंबा में साक्षरता का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ना लिखना अभियान की बैठक का आयोजन चंबा उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में जिला के सभी बीआरसी बीपीओ के साथ प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक फौजा सिंह और जिला परियोजना अधिकारी एसएसए आरएमएसए राजेश शर्मा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस अभियान की शुरुआत हिमाचल के 6 जिलों में की गई है ताकि 15 वर्ष की आयु से ऊपर के जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें शिक्षित किया जा सके। इस दौरान बोलते हुए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक फौजा सिंह ने इस अभियान के बारे में जानकारी दी। जी, आज डीसी साहब की अध्यक्षता के बीच में जो है पढ़ना लिखना अभियान उसके ऊपर जो है आज मीटिंग ली गई है, जिसके बीच में हमारे डीपीओ साहब थे और सभी ब्लॉक से जो है वो बीओस आए हुए थे, बीआरसी थे और बीडीओ साहिबान थे, कुछ स्कूलों से जो है वो प्रिंसिपल जो थे उन्होंने भी जो है इसके बीच में भाग लिया है। और इसके ऊपर जो है वो डीसी साहब ने जो है हमें गाइडलाइन दी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है इसके लिए पीएलए की जो है वो कमेटियां जो है वो बनाई जाएंगी और उसके बाद जो है वो ब्लॉक लेवल पर जो है वो बनाई जाएंगी और जो भी जिस गांव के बीच में जो है निरक्षर लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, उनका जो है वो सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद जो है उसके लिए हम वॉलंटियर टीचर्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और वॉलंटियर टीचर्स जो है वो इन लोगों को जो है जो इलिटरेट लोग हैं उनको जो है वो पढ़ना लिखना जो है वो सिखाएंगे, जिसके लिए जो है वो 4 महीने के बीच में जो है 120 घंटे जो है वो उसके लिए देंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो है अपनी भूमिका निभाएंगे। हमारे जो है एक बीएलटी वॉलंटियर लिटरेसी टीचर जो है वो हर स्कूल से जो है वो हम उसके लिए जो है वो उनका चुनाव करेंगे और उनके अंडर जो है वो वॉलंटियर टीचर जो है वो काम करेंगे। और इसके लिए जो है हमें जो टारगेट दिया गया है 25,000 के करीब जो है वो हम अपने ज़िले के बीच में जो है इसके बीच में शामिल करेंगे और इस टारगेट को जो है वो अंजाम देंगे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए जिला परियोजना अधिकारी एसएसए आरएमएसए राजेश शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर सर्वे किया जाएगा और अनपढ़ लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें साक्षर बनाया जाएगा। इसके लिए जिला चंबा में 25,000 अनपढ़ लोगों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की आज पहली बैठक माननीय जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें जिला के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आज यहाँ पे बुलाया गया था। वो सभी यहाँ पे उपस्थित थे और जो एक इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमें इलिटरेट हैं, जो 15 प्लस जिनकी एज है, जो स्कूल गोइंग एज अपनी पूरी कर चुके हैं, पढ़ने का मौका खो चुके हैं, उनको पुनः एक बार फिर मौका देने के लिए इस कार्यक्रम का जो है वो भारत सरकार ने चंबा जिला के लिए दिया है। इस प्रकार के 6 जिले पूरे हिमाचल के अंदर चयनित किए गए हैं। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज डिटेल से पूरी चर्चा की गई कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, ब्लॉक पर होगा और आगे क्लस्टर इसके नीचे स्कूल लेवल पर क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ये सारी विस्तृत चर्चा जो है आज इस बैठक में की गई। जिलाधीश महोदय के मार्गदर्शन के अंदर बहुत सारे दिशा निर्देश आज हमें यहाँ पर दिए गए हैं और उनके अनुसार हम काम करेंगे और समय रहते इस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि साक्षरता का चंबा जिला के साथ बहुत पुराना संबंध है, बहुत पहले इसी प्रकार से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो, चाहे हम प्रौढ़ शिक्षा की बात करें, चाहे साक्षरता की बात करें या चाहे हम साक्षर भारत की बात करें, तो इस प्रकार के कार्यक्रम चंबा जिला के अंदर आते रहे हैं, जो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हम इन कार्यक्रमों में असफल रह रहे हैं, तभी जा कर के ये बार बार इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो चंबा जिला को आ रहे हैं। तो हमें इस बार हमें इस कलंक को धोना है और हम जितने भी इलिटरेट होंगे उन सबको हम लिटरेट करके, पढ़े लिखे बना करके इस कार्यक्रम से चंबा जिला को मुक्ति दिलाएंगे।